दोस्तों, क्या होगा कि अगर कोई इंजेक्शन लगाया और वो हड्डी में घुस जाए तो क्या होगा? ये क्यूरियोसिटी हमारे व्यूअर्स की कमेंट आया था, मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। हो सकता है कि आपकी भी क्यूरी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारा ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और दूसरा चैनल ज्ञानियर शॉर्ट्स, उसको भी आप अपना प्यार दिखाएँ। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई कि इंजेक्शन हड्डी में लग जाएगा तो क्या होगा। देखो, नॉर्मली कोई व्यक्ति को आप IM इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर, तो उसमें ये होता है कि वो आपको पता रहता है कि वो कहाँ तक जाएगा इंजेक्शन, उतना ही लगाया जाता है। हड्डी को टच नहीं कर पाता, उतना बड़ा मसल होता ही है। लेकिन फिर भी अगर बहुत बड़ा उसका निडल था और आपने पूरा ही घुसा दिया और आपको महसूस हो रहा है ऐसा कि भाई अब अंदर नहीं जा पा रहा इंजेक्शन, मतलब कि वो इंजेक्शन की जो निडल है वो बोन को जाके हिट कर गई है, तो क्या होगा? देखो, इस कंडीशन में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब पेशेंट को पता ही नहीं चलता, क्योंकि हड्डी जो होती है एक प्रकार का हार्ट टिश्यू होता है, ठीक है ना, हार्ट टिश्यू है। पेशेंट को मालूम ही नहीं चलेगा, इवन वो जरा सी निडल हड्डी में घुस ही नहीं पाएगी, बस उसको हिट कर देगी जाके। और जो आप सोच रहे हैं कि भाई, कई लोग कहेंगे कि भाई जो हड्डियों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो अलग चीज़ होती है, एपीड्यूरल इंजेक्शन होते हैं वो, उनका अलग यूज़ होता है, एनेस्थीसिया देना या बोन मैरो का सैंपल लेना वो अलग चीज़ हो जाती है, उसका निडल ही बहुत मोटा आता है और उसकी अलग टेक्निक से लगाया जाता है। यहाँ पे जरा सी निडल हड्डी को पंचर नहीं कर पाती, अगर कर भी देती है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत हड्डी का सतह अगर झड़ भी जाता है तो मरीज़ को पता नहीं चलेगा, ठीक। हाँ, एक रिस्क ये होता है कि जो निडल की शार्प एंगल जो होता है, सबसे नुकीला हिस्सा, वो टूट सकता है, तो टूट के वो मांस में भी फंस सकता है, बहुत मामूली सा तिनका अंदर ब्रेक होके मस निडल का, ना कि हड्डी का, वो वहीं पर रह सकता है और फिर मरीज़ को कभी चलने फिरने में, दबाने में महसूस होगा। तो ये चीज़ है, वैसे तो ऐसा कोई करता नहीं है, और अगर हो भी जाता है तो मरीज़ को पता नहीं चलेगा। रिस्क क्या है कि निडल का हिस्सा टूट सकता है, ठीक। तो ये चीज़ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हड्डी टच आ गई है, हड्डी को महसूस कर लिया आपने, तो आप तुरंत इंजेक्शन को बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे इंजेक्शन नहीं घुसता है हड्डी के अंदर, ठीक, और कुछ भी नहीं होता। सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।